विधायक है उनके यहाँ भी मंत्रीगण है और मेरे समाजा कर्मी कहीं ना कहीं सभी से जुड़े हैं। लेकिन आदरणीय नारायण भैया, आप पर इतनी आस्था है, इतना टूट विश्वास है कर्मचारी तंत्र का, क्योंकि आपने कुछ ऐसे परिणाम दिए हैं, तो 51 जिलों के उस ग्रुप में से सिर्फ एक नाम आया। और आज हम गए, हमने भैया से निवेदन किया, मैहर और इतना सहृदय है भैया का, भैया ने हमारी पूरी बातें बड़ी गंभीरता पूर्वक, हमारी पूरी मांगे बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझी और उसके बाद हमें आश्वासन दिया कि हम उसको लेकर के आगे सार्थक बात करते हैं। उसके बाद भैया जी ने तत्काल दूसरा दिन जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राकेश सिंह जी, उनको भी आप लोगों की उस मांग में कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हितार्थ सहमत किया। ये भैया जी की पहली उपलब्धि है। उसके पश्चात चूंकि साथियों हम भैया जी का आशीर्वाद लेने के बाद वहीं से चले गए थे मां शारदा, मां शारदा का हम पूरा प्रतिनिधि मंडल, और वहां जाकर के हम गिर गए थे और मां से कहा था, मां हम बहुत वेदित हैं, माँ हम बहुत प्रताड़ित हैं, और माँ शारदा आपने तो सबकी सुनी है, आपने तो यहाँ से एक ऐसा माननीय विधायक दिया है जिसको पूरे मध्य प्रदेश को नाज है, क्या माँ हमारी गिनती नहीं सुनोगी। हमें वहां पर खुद ऐसा लगा, हमारे साथ कुछ साथी थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि हम बहुत सही जगह आए हैं। तो साथियों ये माँ का ही आशीर्वाद का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुकी राष्ट्रीय स्तर की वहां बैठक है, आप सब लोग पेपर के माध्यम से पढ़ चुके होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी की उस बैठक में ना पाने की कहीं ना कहीं असमर्थता के कारण आप सब की वेदना और पीड़ा को और अपनी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए प्रतिनिधि के तौर पे हमारे श्री नारायण त्रिपाठी भैया हमारे बीच हैं, और मैं सशक्त नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, क्योंकि माननीय विधायक जी से हमने जो मांग रखी है, निवेदन रखा है, अपनी पीड़ा रखी है, वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ करके बतलाने जा रहा हूं। और क्योंकि मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि 1,84,000 ही नहीं है हम, 1,84,000 और जो निष्कासित है हमारे 10,000 उतने ही नहीं है हम कहीं ना कहीं टोटल, यदि हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार और हमारा मित्रगण यदि जोड़ा जाए तो 25,00,000 है हम। और कोई ऐसा संगठन नहीं है मध्य प्रदेश में जो कहीं ना कहीं इस तरीके से और इतना मजबूत हो और इतना बड़ा हो और इतनी एक आवाज हो। तो संविदा कर्मी आज आपकी चौखट में खड़ा है भैया, और उसकी मांगे ये है। पहली मांग हमारी निवेदन है संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रम श्रमिक नियमित पदों के अनुरूप 90% के आधार पर 100% दिया जाए, 100% किया जाए, मतलब 100% जो कैबिनेट में हमारी कहीं ना कहीं प्रस्ताव आया था, निर्णय हुआ था, उसको 10% की तो और बात है, आदरणीय थोड़ा दिया है, थोड़े की तो जरूरत है, ये हमारी मांग। और वो कहीं ना कहीं वो भी हो जाए, आगे चल के लांच हो जाए, लांच नहीं हो पा रही है, इसलिए अपन आए हैं आज। दूसरा, संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर संविदा अनुबंध प्रथा समाप्त किया जाए एवं रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष की जाए। बहुत बढ़िया साथियों, ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पीड़ा है, कभी भी किसी भी वक्त हम तक 10 साल के संविदा, 12 साल के संविदा, और थोड़ी सी बात बिगड़ गई और हम तो सीधे सीधे टर्मिनेट कर दिया जाता है, हमारे बाल बच्चे कहीं ना कहीं उस वेदना और प्रताड़ना से हमेशा डरे रहते हैं। और ये हमारी दूसरी मांग है, हमें कहीं ना कहीं ये 62 वर्ष किया जाए और हमें टर्मिनेट नहीं, एक नियमित कर्मचारियों की भांति ही हमको कहीं ना कहीं प्रक्रिया लाएंगे। हमारी जो
तीसरी मांग है समझा कर भी प्रथम दृष्टि दोषी पाए जाने पर शासकीय नियमित सेवक के समान निलंबन की कार्रवाई शासन के नियमानुसार किया जाए, न कि सेवा समाप्ति तथा निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिया जाए। हमारी जो चौथी मांग है ये कहीं ना कहीं वेदना से भरपूर है, क्योंकि ये आदरणीय भैया निवेदन है कि जब आपने इतना हमें दे रहे हैं 1,84,000 के ही ये अंग हैं, और कहीं ना कहीं ये तो बहुत ज्यादा वेदित और प्रताड़ित हैं, और इनके घर की बहुत ही, और हमें विश्वास है कि आप इतना हमें देंगे तो हमारे ही ये जो भाई हैं इनके लिए जरूर देंगे, क्योंकि इनका परिवार पूरी तरीके से प्रताड़ित है। वो मांग हमारी वो भी लिखी गई है जो संविदा कर्मी पूर्व वर्षों में बजट के अभाव में अथवा योजना बंद होने के कारण सेवा से पृथक किए गए हैं, उनके पद अथवा योग्यता अनुरूप अन्य योजना एवं परियोजनाओं में सम्मिलन किया जाए। और एक हमारी और भी वाकई में अनलीगल हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमारे एनआरएचएम में सपोर्ट स्टाफ था और वो सपोर्ट स्टाफ संविदा में था, लेकिन एकाएक इस तरह तुगल की एक आदेश जारी हुआ है कि जिसमें रोगी कल्याण समिति में हमारे सपोर्ट स्टाफ को सीधे सीधे मर्ज कर दिया गया है। ये एक लाल फीता साई हुई है, उस आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए और रोगी कल्याण समिति वाले को जो हमारे हैं वो जनरल स्टेम में वो कहीं ना कहीं जाए। ये हमारी मांगे हैं और हमें पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ, क्योंकि आज हमने आपस में ये निर्णय लिया है कि, और हमें विश्वास है, आपस में क्या निर्णय लिया है हमारे 34 विभागों के प्रदेश अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों ने, यदि आदरणीय भैया ये सम्मान के लिए आए थे, ये फूल लेके आए थे, आदरणीय भैया यदि ये मांगे हम संविदा कर्मियों की आपने पूरी करवा दी, तो हम इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं कि हम फूलों से नहीं रक्त से तुलादान करेंगे। और चूंकि हमारे साथ आश्वासन हुए हैं, हमें आदेश चाहिए, और अब चूंकि आचार संहिता बिल्कुल सर पे है और हमें लग रहा था सिर्फ हमें आदरणीय भैया ही आदेश के लिए हमारी बात वहां लग सकते हैं, और जिस तरह से आदरणीय साथियों ये भी आपने देखा होगा कि जन अभियान परिषद हमारी योग्यताओं में क्या कमी है, भैया हमारे नौकरी के दायित्व में क्या कमी है, हम भी तो उसी तरह हमारी भी नीति है, लेकिन जन अभियान परिषद को अभी नियमित कर दिया गया, एक भाई को आप रसगुल्ला खिला रहे हो और दूसरे को आप प्रत के लिए बोल रहे हो, क्या बात है। हम तो एक ही अंग है भैया, हम भी तो समर्पित है भैया, आपका प्रदेश स्तर में ही नहीं हमने दिल्ली स्तर पे इतनी मेहनत की है समुदाय कर्मचारियों ने कि वहां पर भी अवार्ड पुरस्कृत हुआ है हमारा मध्य प्रदेश शासन, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी राजनीति मेहनत है। तो भैया जन अभियान परिषद की तरह जिस तरह आपने उनके लिए किया है, मेरा निवेदन है पूरे समुदाय कर्मियों की तरफ से कि निश्चित ही हमें न्याय मिलेगा, और हम 12 तारीख तक हम लोगों ने जो प्रदेश अध्यक्षों ने निर्णय लिया है, यदि 12 तारीख तक हमारा निश्चित ही कुछ ना कुछ हमें एक जो सार्थक परिणाम है वो आपके माध्यम से मिलेगा, और यदि 12 तारीख तक कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत यह है कि अभी आदेश जारी होंगे, फिर वो आदेश इम्प्लीमेंट होंगे जब तक आचार संहिता लग जाएगी, और हमारे भी ये कर्मचारी जो हैं आज 4 महीने से इंतजार करते रहे, और आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ लोगों ने कहा स्वागत और सम्मान नहीं हुआ, तो उसको लेकर के इतना उत्साहित हुए कि 34 के 34 प्रदेश अध्यक्ष एक हो गए, पूरे 51 जिला अध्यक्ष एक हो गए, और पूरे संविदा एक हो गया, और आज एक होकर के वो आया है अपनी आस लेकर के आपके पास, और यदि 12 तारीख तक हमें विश्वास है कुछ ना कुछ होगा, और यदि नहीं होता है तो भैया कहीं ना कहीं काम करने में मन नहीं लगता हम लोगों का वाकई में, क्योंकि हमें दिन रात डर सताया रहता है कि कब हम टर्मिनेट हो जाएंगे, और टर्मिनेट हो जाएंगे तो भैया हमें विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं वो टर्मिनेशन और जो हमारी ये मांग
12 के पहले कुछ ना कुछ सार्थक परिणाम देंगे, नहीं तो 12 के बाद हम कहीं भी किसी भी प्रकार से हमने जो निर्णय लिया है कि अब हम कलम चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब मैं 184,000 संविदा कर्मी और 10,000